Here. Today's topic is second part of territorial behavior in animals. As you can see, this was the concluding slide of part 1 about the types of territories. Now we'll continue with the sixth type of category of territory. This was actually type E. This was the fifth type, an area of feeding, in which golden-winged sunbirds and hummingbirds, they protect flowers and nectar from shrikes and robins. Type F category of territory is actually winter territory, which typically includes foraging areas and roost sites. Type F जो होती है, it may be equivalent to type A category. अगर ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि टाइप ए टेरिटरी जो होती है वो ऑल पर्पस टेरिटरी होती है, विच इज एरिया फॉर कोटिंग, मेटिंग, नेस्टिंग, फोरेजिंग एट्सेट्रा. एंड टाइप एफ मे बी फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज ऑल्सो, एंड इट मे बी ऑन विंटरिंग ग्राउंड. एज यू कैन सी टू डायग्राम्स इन दिस. फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ टाइप एफ कैटेगरी, that is hermit thrushes, and in the second diagram you can see that there are three territorial hermit thrushes and two non-territorial, यानी कि floaters हैं जो कि non-territorial behavior show करते हैं, and they are recognized within the wintering populations which are considered indicators of habitat for food resource limitation, providing important insight into a पॉपुलेशन लोकल डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं ये मूवमेंट शो कर रहा है अमंग दी बर्ड्स. देन वील डिस्कस नेक्स्ट अबाउट दी साइज ऑफ टेरिटरीज. साइज ऑफ टेरिटरी वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. दैट मीन्स कि किसी एनिमल की टेरिटरी बहुत छोटी भी हो सकती है, तो किसी की पीच की हो सकती है, तो किसी की बहुत बड़ी टेरिटरी भी हो सकती है. Now, size largely depends on body size. It means that big animals generally have a larger territory. और इसका हम example दे सकते हैं gazelles का और water bugs का. Small size animals जैसे कि duikers and dik-dik, they have small area enough for one pair to live. Then we come to group size, यानी कि अगर larger group है तो they will have larger territory as compared to small group. और food requirement में हम बताएंगे कि अगर enough food है, small area में है, तो animals they themselves restrict. And अगर territory में food की कमी है, तो in search of food उनकी territory का size बड़ा भी हो सकता है. और जो animals की diet and size जो है, अगर वो ज़्यादा है तो उनकी जो टेरिटरी है वो बड़ी होती है. देन ब्रीडिंग एंड कोटिंग टेरिटरीज आर स्मॉलर देन फीडिंग टेरिटरीज. और जो लार्जर स्पीशीज होते हैं दे हैव लार्जर टेरिटरीज. इसका हम वाइल्ड बीस्ट का भी एग्जांपल दे सकते हैं. देन प्रीडेटर्स जो होते हैं, जैसे प्रीडेटर्स कौन हुए, लाइक लायंस हैं, टाइगर्स हैं, दे हैव लार्जर टेरिटरीज देन द प्लांट ईटर्स. देन जो टेरिटरीज जो कि स्मॉलर होती हैं, टेरिटरी स्मॉलर होती हैं व्हेन द फूड इज फाउंड इन अबंडेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट स्प्रेड फार. जैसे कि मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि हमारे यहाँ जो एक वाइट पिजन्स जो आते हैं, दोनों तरह के पिजन्स हैं, रॉक पिजन्स भी हैं, वाइट पिजन्स भी हैं, तो वाइट पिजन की बहुत स्मॉल टेरिटरी है और वो अपनी टेरिटरी में किसी को भी नहीं आने देता है. ठीक है. देन जो जर्मन एक इथोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने ये बताया था कि देयर इज कोरिलेशन बिटवीन डाइट, बॉडी साइज, मेटिंग सिस्टम एंड साइज ऑफ टेरिटरी. नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ टेरिटोरियल बिहेवियर का एग्जांपल अगर हम देखें तो गिबन्स की हम बात करते हैं. गिबन्स जो हैं वो मीडियम साइज्ड एप्स होते हैं, रेन फॉरेस्ट में रहते हैं जहाँ पर बड़ी थिक और डेंस कैनोपी होती है, और वो फीड करता है फ्रूट्स को, फ्रूट्स पर और इंसेक्ट्स को खाता है.
और उसकी बहुत छोटी टेरिटरी होती है ना, जबकि दे लिव इन मोनोगेमस ग्रुप्स, है ना। अच्छा, टेरिटरी में वो कैसे मार्क करते हैं? सेंट के थ्रू मार्क करते हैं, और साथ ही वो टेरिटरी को कैसे एडवाइस करते हैं? कोई भी कॉल दे करके, यानी कि कोई भी गाना गा करके वो अपनी टेरिटरी को बचाते हैं। फिर यह एडवर्टाइज करते हैं, ज़ेब्रा एंड एसिस, लायंस एंड टाइगर्स, ये जो हैं इनकी टेरिटरीज बहुत बड़ी होती हैं। ज़ेब्रा और एसिस जो होते हैं इनकी जो ये हर्बीवोर्स होते हैं, और लायंस एंड टाइगर्स कार्निवोर्स होते हैं, और इनका जो टेरिटरी होता है दैट मे कवर एन एरिया ऑफ सेवरल हंड्रेड स्क्वायर किलोमीटर्स। साइज जो होती है टेरिटरी की वो फ्यू मिलीमीटर्स से लेके सेवरल किलोमीटर्स तक होती है। इसमें एग्जांपल टाइगर का दें तो 20 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया होता है इसका, वुल्व्स का 77 स्क्वायर किलोमीटर्स, और जो गर्ल्स जो बर्ड्स होती हैं दे हैव एरिया ऑफ ओनली फ्यू स्क्वायर सेंटीमीटर्स। गर्ल्स की टेरिटोरियलिटी अगर हम देखें तो दे मार्क देयर टेरिटरी यूजिंग विजुअल डिस्प्ले, और वो जो डिस्प्ले होता है वो कैसा होता है? अपराइट पोस्चर वाला होता है, साथ ही वो मेटिंग कॉल्स भी उनकी होती है, ठीक है, और उनकी जो कॉल होती है वो म्यू कॉल कहलाती है। तो इस तरह से उनका पूरा एक सिग्नलिंग सिस्टम बन जाता है, और उनकी जो मेटिंग और कोर्टशिप होती है दैट बिगिंस इन स्प्रिंग, जिसमें कि मेल कॉल करता है एंड फीमेल कम्स टू द सेम पैच ऑफ रॉक, है ना, उसी आ जाती है वहाँ पे जहाँ पे कि वो पिछले सालों में आती है, ठीक है, और उसी जो कि 4 to 5 meters अपार्ट जो उनका रॉकी एरिया होता है वहाँ पर उनकी कोर्टशिप और नेस्ट की साइट होती है, और इस तरह से वो है ये पूरा जो सिस्टम होता है इनका, ये टेरिटोरियल बाउंड्रीज को रेनफोर्स करता है, ठीक है, और वो किसी भी इंट्रूडर को आना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि इंट्रूडर्स को दे ऑलरेडी मतलब विजुअल और ऑडिटरी वार्निंग देते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। देन जो टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं जब उनकी टेरिटरी फिक्स हो जाती है तो दे डू पेट्रोलिंग ऑफ देयर आउटर लिमिट्स, ठीक है, जो भी टेरिटरी का जो बाउंड्री होती है उस पे वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं समय समय पर। हाँ, ये भी बात है कि जब उनकी एक बार ओनरशिप फिक्स हो जाती है और नेबर्स को भी समझ आ जाता है कि उस टेरिटरी में उनको कदम नहीं रखना है, तो जो ओनर होता है वो रिलैक्स हो जाता है एंड डू नॉट स्पेंड मच एनर्जी इन पेट्रोलिंग और इंस्पेक्टिंग, ठीक है। देन देर आर एनिमल्स जिनकी टेरिटरी एक्सपेंड हो जाती है अगर उनका ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाए तो उनको कहते हैं एक्सपेंशनिस्ट्स। इनका एग्जांपल है एक तो वुल्व्स, और दूसरा एग्जांपल होता है वुल्व्स के जैसे ही एनिमल्स होते हैं जिनको कोयोटीज कहते हैं, ये भी कार्निवोर होते हैं। देन वो स्पीशीज़ जिनकी टेरिटरी साइज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उनका ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा है चाहे उनका ग्रुप साइज डिक्रीज हो रहा है, ऐसे जो ऐसे स्पीशीज होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर्स कहते हैं, और उनका जो बेस्ट एग्जांपल है एप्ट एग्जांपल है वो है बैजर्स का। बैजर्स भी एक प्रकार के मैमल्स हैं और ओमनिवोरस होते हैं। देन अनदर एग्जांपल इज ऑफ सी लायन। जो मेल सी लायन होता है वो अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश करता है सी के किनारे पर, और मेल्स जो होता है वो अकाउस्टिक मार्किंग यूज़ करता है और फीमेल को अट्रैक्ट करता है फॉर मेटिंग, और जो मेल्स होते हैं कई बार उनको कम्पीट भी करना पड़ता है दूसरे मेल्स मेल सी लायन से, और जो विनर होता है वो फिर टेरिटरी अपनी इस्टेब्लिश करता है, एंड फीमेल्स जो होता है वो वहीं पे बर्थ देती हैं अपने बच्चों को जहाँ पर साइट होती है उनकी, सेलेक्टेड नेस्ट साइट जहाँ पर होती है। अनदर एग्जाम्पल एंड वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ टेरिटोरियलिटी बिहेवियर इज ऑफ चीताज, क्योंकि जो चीताज होते हैं दे आर हाईली टेरिटोरियल, ठीक है, और अपनी टेरिटरी वो इस्टेब्लिश करते हैं, और इनकी जो टेरिटरी होती है उसकी होम रेंज कह लो या टेरिटरी कह लो इट इज़ ह्यूज ह्यूज होती है, और ये अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूरिन एंड विद द हेल्प ऑफ फेरोमोन्स, और मेल्स तो इनके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेरिटोरियल होते हैं
इतने ज़्यादा कि जब उनकी एक बार टेरिटरी एस्टैब्लिश हो जाती है तो कई बार मतलब फ्रीक्वेंटली वो क्या करते हैं कि जो उनकी टेरिटरी में कोई ऐसी जगह होती है, कोई जो हाइट की जगह होती है जैसे कि माउंट्स हैं या हिलॉक्स हैं, उस पे चढ़ कर के ये इंस्पेक्ट करते रहते हैं। तो वो जो हिलॉक होता है इनका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है एंड दे सी कि कोई भी इंट्रूडर जो है वो उनकी टेरिटरी में नहीं आए। विद इन अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ जेज, क्योंकि जो जेज होती हैं इनकी जो टेरिटरीज होती हैं वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं। और यही नहीं, जो ये जेज होती हैं ये ऑक्यूपाई करती हैं अपनी टेरिटरी को, साथ में डिफेंड करती हैं फॉर सेवरल ईयर्स, और अपनी टेरिटरी को इवन वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको सेम टेरिटरी पास कर देती हैं। तो इस तरह से इनकी भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिहेवियर होता है इनका भी। देन वी कैन टॉक अबाउट आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि टेरिटोरियल बिहेवियर शो करते हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, वो है यूरोपियन ईयर विग का, जो कि उसमें क्या होता है कि जो ब्रूडिंग जो फीमेल्स होती हैं वो दूसरे मेल्स को भी और फीमेल्स को भी अपनी विसिनिटी में नहीं आने देती हैं, क्योंकि वहाँ पे उसका नेस्ट होता है और उसमें एग्स होते हैं जिनको वो गार्ड कर रही होती है। तो इस तरह से वो अपनी पूरी टेरिटरी मेंटेन करके चलती है। आर्थ्रोपोड्स में अगर हम दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैंटिस में ये बिहेवियर होता है। इसमें केवल अडल्ट ही नहीं, उनके जो निम्फ्स होते हैं इवन दे ऑल्सो शो द टेरिटोरियल बिहेवियर। ठीक है, फिर आर्थ्रोपोड्स में क्रस्टेशियंस की बात करें तो क्रैब्स जो हैं, लॉबस्टर्स हैं, इनमें भी ये बिहेवियर शो होता है। देन स्नेक्स, स्नेक्स जो हैं वो अपनी टेरिटरी नेस्ट के आसपास ही बनाते हैं, और स्नेक्स जो हैं वो मेट के लिए फाइट करते हैं, और दे डू नॉट बाइट ईच अदर बट दे रेसल एंड ट्राई टू पिन डाउन ईच अदर। अब इसमें टेरिटोरियलिटी का हम अगर और एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जैसे क्रैब तो मैंने बता ही दिया था आपको, फिर जैसे ग्रास हॉपर्स का भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बटरफ्लाइज हैं, बीटल्स। अच्छा, बीटल्स में जैसे बरिंग बीटल की एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें मेल जो है फीमेल को अट्रैक्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ फेरोमोन्स, और वो उसको पीस ऑफ मीट ऑफर करता है फीमेल को। दे बोथ फीड टुगेदर एंड देन दे मेक द टेरिटरी, और उस टेरिटरी में डिफेंड करते हैं उस टेरिटरी को दोनों मिलकर के, और नेस्ट को बनाते हैं, और साथ में फिर फीमेल जो है वो एग्स देती है और उसके में पेरेंटल केयर शो करती है। हालांकि पेरेंटल केयर शो करने के बाद में वो टेरिटरी एक तरह से टर्मिनेट हो जाती है। फिशेस में गोबी फिश है जो वो फीडिंग टेरिटरी अपनी बनाती है, और सैल्मन फिश ब्रीडिंग टेरिटरी बनाती है। मॉलस्क्स में पटेला और लिम्पेट में जो एरिया होता है उनका वो 1,000 स्क्वायर सेंटीमीटर्स का होता है, और उसमें वो फीडिंग एरिया होता है एंड दे फीड एल्गी इन दैट टेरिटरी। अलाइटस जो कि एक एम्फीबियन है, उसका उस वो क्या करता है कि अपने हाइंड लेग्स पर एग्स कैरी करता है, तो उसको अपने एग्स को प्रोटेक्ट करना होता है, तो उसके आसपास या विसिनिटी में वो अपनी टेरिटरी क्रिएट कर लेता है जिससे कि कोई भी इंट्रूडर जो है वो उसके एग्स को हार्म ना करे। ठीक है, देन एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, वो है स्टारलिंग बर्ड का। ये भी अपनी अच्छा टेरिटोरियल बिहेवियर शो करती है। मेनली ये जो टेरिटरी बनाती है वो बनाती है एक तरह से रूस्टिंग प्लेस बनाती है, जिसमें कि वो थोड़ा सा रेस्ट करती है या आराम करती है। इस तरह से ये जो एग्जाम्पल्स हैं टेरिटोरियल बिहेवियर के, ये मैंने आपको शो बताया है, और आगे और भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, टेरिटोरियलिटी से रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं वो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।